था, बीजेपी तिल मिला गई। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता राहुल के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने मर्यादा को ताक पर रखकर बयान दिया। इसके बाद तो बात कांग्रेस वर्सेज बीजेपी की हो गई। राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना क्या साधा, हंगामा हो गया, सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बीजेपी के तमाम नेता म्यान से तलवार निकालकर राहुल के खिलाफ मैदान में उतर गए, बयान देने की होड़ में मर्यादा तक लांग गए कि कभी विदेशी महिला के संतान हमारे देश के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। ये चाणक्य राहुल गांधी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, यह बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है, और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी तलवार लेकर मैदान में क्या उतरी, कांग्रेस ने भी जुबानी हथियार के साथ लोहा लेने की ठान ली, और इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आरजेडी ने भी मोर्चा संभाल लिया। सिटीजनशिप तो तय कर ही रही है सरकार, अब नाम भी यही लोग तय करें कि किसका टाइटल गांधी होगा, किसका टाइटल सावरकर होगा, किसका टाइटल गॉडसे होगा, ये भी वही लोग तय करेंगे। और इतने ऊंचे पद पे हैं लोग, उनको निगाह से देखता है, इनके बातों को निगाह से देखता है। ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए, जाति विशेष को भड़काए, धर्म विशेष को भड़काए, जो काम करना है लोगों वो काम नहीं करते। और इस लड़ाई में इतिहास को भी तोड़ मरोड़ दिया गया। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी के दादा के साथ खान टाइटल जोड़ दिया, जबकि फिरोज गांधी फारसी थे, ये दुनिया जानती है। और क्या लिखा सुशील मोदी ने, ये भी जान लीजिए। जिस परिवार ने अपने पितामह फिरोज खान के वास्तविक उपनाम को मिटाकर गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया और जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए देश पर राज किया, उसके किसी शख्स को किसी की कृपा से मिले नाम पर इतराना नहीं चाहिए। राहुल खान गांधी को खुद पर यदि भरोसा है तो वे अपने वास्तविक नाम से चुनाव लड़कर देख लें। वैसे अगर उनका नाम राहुल सावरकर होता तो वे जम्मू कश्मीर में धारा 370 और नागरिकता संशोधन बिल पर इमरान की भाषा न बोलते। लेकिन डिप्टी सीएम की यह भाषा जेडीयू को भी रास नहीं आई। इसका मतलब यही है, सुशील मोदी ये समझ रहे हैं कि मतलब खान टाइटल लगा लेगा कोई आदमी या खान नाम का कोई आदमी खड़ा होगा तो चुनाव नहीं जीत सकता है, इससे इनकी मानसिकता परिलक्षित होती है। इस तरह गांधी परिवार के अगेंस्ट में शब्दों का जो है यूज किया गया है, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। अगर वीर सावरकर देशभक्त थे तो गांधी नेहरू परिवार का भी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो माफी मांगने से रहे, लेकिन सावरकर पर बयान देकर राहुल गांधी ने बीजेपी को हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से स्वप्निल के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।